लास्ट में थोड़ा मैसअप सीन हुआ, बट कोई ना, होते रहते हैं वो तो। देखो भैया, सुबह उठने के अपने अपने मजे होते हैं ना, तो हमने वही मजे लिए हैं इस समय, और एसी में सोने के भी अपने मजे होते हैं। Well, what's up guys, welcome back to a brand new vlog. I hope you all are good and happy. Good morning to you all. उठ गए हैं timely school के लिए पहली बार, after a very long time we are going to school, और वो भी नई class के लिए। अपना section भी नया है, शायद से नए लोग भी होंगे humanities के लिए, मेरे को कोई idea नहीं, वो जाके ही पता चलेगा। बट I'm excited, kinda excited for today, not excited, kinda excited. भाई छोटे होते ना नहाने में बड़ा वो करते थे, क्या बोलते, दिक्कत, सुबह सुबह ना ठंड लगती थी हमें, की एसी से डायरेक्ट जाते थे तो ठंडे पानी से नहीं नहाना, मैंने एक दोस्त के साथ भी जाऊंगा स्कूल, तो मतलब क्योंकि क्या बोलते, बहुत टाइम बाद हम मिल भी रहे हैं, मतलब सेम स्कूल सेम क्लास, हमने दो साल तीन साल करी है, 8 से 10th हमने साथ ही रहे हैं, तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स ये मेरे स्कूल में था, तो वही है, क्या सीन रहेगा। आई वुड मोर टू व्लॉग टिल हिज सोसाइटी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना आधा आधा करूंगा, आधा घर से एक स्पॉट तक और आधा स्कूल से घर के एक स्पॉट तक, तो अगर दो टाइम का रहेगा ना तो अच्छा और हेल्दी मोटिव व्लॉगिंग रहेगी वो। भाई देखो टाइम तो अपने में बहुत है निकलने से भी पहले, बट हम उस टाइम को यूटिलाइज करें ना, टाइमली नहाने चले जाते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा और क्या है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम नहाने निकलते, तो नहाने वाले ट्रांजिशन ना के मुश्किल, दवाई भी लगा ली, जल्दी से इनसे मिलते हैं, बाल कंघी करते और निकलते। चलो जी चलते हैं यार, मैं ना मैंने उसको कॉल था, मैं 7:30 तक निकल जाऊंगा, 7:30 बजे मैं जब नहा के निकला, मैंने उसको कॉल किया, मतलब टाइमली हो रहा था सब, बट नहाने में थोड़ा लंबा खिंच गया मैं, अरे किधर से निकालूं यार, टाइम ही वेस्ट कर रहा हूं मैं तो भाई, मतलब जल्दी जल्दी चक्कर में। हाँ 7:30 बजे जैसे मैं नहा के निकला, मैंने कहा हाँ भाई मैं 1 मिनट में निकल रहा हूँ, वो मैं 2 मिनट में निकला, अलग बात है भाई, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन हो गया ऐसे मौसम में निकाल के सुबह सुबह। और मैंने उसको कहा था मैं 45 तक पहुंच जाऊंगा तेरे यहाँ, 45 होने में सिर्फ 4 या 3 मिनट मैं निकला हूँ, बट कोई ना ज्यादा दूर नहीं, 4 किलोमीटर दूरी है, तो 4 किलोमीटर हम शुक शुक करके कवर कर लेंगे, आराम से प्यार चलाएंगे, बट शुक शुक करके चलाएंगे। अपने को याद भी होगा मैंने वो मैप में रट्टा भी मार लिया, तो अगर बीच में दिक्कत होगी तो फोन वाला मैप देख लूंगा, क्योंकि ये उसकी सोसाइटी की लोकेशन है, बट मेरे को जिस उसकी सोसाइटी के गेट पे जाना है उसकी लोकेशन मेरे फोन पे। यार इसमें ये भी फीचर आना चाहिए कि आप अपने फोन से लोकेशन इसमें शेयर कर दो ऐप में, और वो अपने आप कर दो, शायद से आया आने वाले टाइम में, बट दैट वुड बी एन बेटर एंड हेल्पफुल थिंग, बहुत ईजी हो जाएगा। भाई यार रेड लाइट नहीं, रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट आई डोंट लाइक, I avoid, but red light likes me, so I can't avoid. चलो भाई चलो चलो चलो, अरे भैया का पान मसाला बनना नहीं खत्म, अरे बीच सड़क पर रुके हुए, देखना अभी भी रुके हुए हैं पान मसाला बनाने के लिए, अरे यार भैया क्या बोले यार ऐसे लोगों को, भैया 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 स्टड है, भैया को कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है, जैसे ये दोनों भाई स्टड है, एक भाई हेलमेट में जा रहा है, उसको डर लग रहा है भाई मेरा हेलमेट उड़ जाएगा मैं भी उड़ जाऊंगा। अरे यार मिट्टी सुबह सुबह वो एड्स नहीं देगी जिसमें वो फेयर एंड लवली Not fair and lovely, fair and lovely. मेरे तक निकलूंगा, दीदी चलती रहेंगी, दीदी तो चलती रहेंगी, दीदी वो कौन रुक पाया आज तक, fair and lovely की एड में जब दीदी चल रही होती स्कूटी पे या गाड़ी मतलब सड़क पे, तो इतनी मिट्टी उड़ के आती है भाई, इतनी मिट्टी उड़ के तो आती है लेकिन उनके चेहरे पे दिखते हैं, हमारे तो चेहरे पे ही नहीं दिखती, वो बाहर से अंदर आओ तो और काले लगते हैं वो, क्योंकि धूप में हो जाते हैं। भाई जी भी नहीं रुकेंगे, देख रहे हो भाई जी, भाई जी अलग ही स्टड है, भाई जी रुके नहीं, भाई जी चलते रहे, भाई जी ने कहा तुम देखो हम क्यों देखे भाई, इट्स माय लाइफ इट्स नाउ और नेवर, ये वाला मोमेंट कर दिया भाई जी ने। 11th का पहला दिन, एक्साइटेड तो है भाई हम लोग, अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट इन अ न्यू क्लास, अगर नए लोग आए होंगे तो नोइंग न्यू पीपल, अगर दूसरे सेक्शन के लोग आए होंगे तो तब भी नोइंग देम, बीइंग ऑन गुड टर्म्स विद देम, यही कर सकते हैं हम और क्या। भाई मेरे दोस्त माधव का ना मेरे को किसी भी क्षण कॉल आ सकता है, और ये ना ना ये बस के चक्कर में फंस गए, वो होता है एकदम रेज मूवमेंट हो जाता है कि आपको एकदम अग्रेसिव ब्रेकिंग करनी थी, अभी तो मैंने करी नहीं अग्रेसिव, वो तो मैंने आराम से निकाल ली, बड़ा अग्रेसिव ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है एक पॉइंट पे आपके आके, डर सा क्योंकि लगने लगता है ना, मेरे को ना ये करने में बड़ा मजा आता है, टंग डंग डंग डडंग डडंग डडंग। चलो जी यूटर्न आ रहा है दोस्तों, यूटर्न आ रहा है, यूटर्न यूटर्न यूटर्न, भाई एक बार रास्ता मेमोराइज कर लो ना तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, अंकल घर जाके चिकन पका ले, नहीं पका लेना सॉरी, और यार तो अपना मील भी बड़ा हेल्दी हेल्दी है जी, हेल्दी हेल्दी कराला का जूस जो आया है हमारा जूस, हमने घर पे नहीं पिया, हमने कहा आज हम अपने मील के साथ पियेंगे उसको, तो हमारा मील है सलाद, जो कल आया था चिकन सैलेड, सलाद इंडियन है ना सलाद बोले, चिकन सैलेड गार्निश ऑनियन डिप, मजाक कर रहा हूँ भाई, गार्निश्ड कुछ तो है उस पे। भैया गेट नंबर 1 किस साइड है,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पूछ तो लिया, समझ में तब भी नहीं आया थोड़ा बहुत, तो एक काम करते हैं भाई। चलो भाई पहुंच गए स्कूल आराम से, देखते हैं फोन कलेक्ट होंगे तो कोई ना, तब व्लॉग नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत कर लेंगे बीच में। तो आई विल सी यू गाइस व्हेनेवर आई विल गेट फ्री। चलो भाई डन विद स्कूल, अच्छे से हो गया है, लास्ट में थोड़ा मेसअप सीन हुआ बट कोई ना, होते रहते हैं वो तो। लेकिन अच्छे से पढ़ाई हुई, मस्त मजा आया पढ़ के, अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ा। अब निकलते घर, पहले एक बार मम्मी पापा से कॉल करके पूछता, अगर वो ऑफिस में तो ऑफिस जाते हैं वरना घर ही निकलेंगे और क्या। हाँ आई नो, मैंने रास्ते में एक प्रॉमिस रखा था कि आई विल मोटो व्लॉग स्कूल से आते समय भी, बट वो ध्यान में नहीं रहा, अभी जस्ट रियलाइज हुआ मेरे को, करना था, I'm so sorry for that। कल ट्राई करेंगे ठीक है, आज तो नहीं हो पाया, कल ट्राई करते हैं, कोई नहीं। फाइनली घर पहुंच गए, एमी की तो ट्यूशन सुबह सुबह हो गई थी उसका 9:45 पे थी, मेरी है 6:30 बजे, तो अभी 3 बजे हैं, जाते रील अपलोड करते हैं, एमी से मिलते, थोड़ी देर रेस्ट करते, खेलते, फिर जिम जाना, फिर जिम से इस आज 5 बजे जिम जाएंगे, कल की तरह रखते हैं, 5 बजे जिम जाएंगे, 6:30 तक निपटा के देन विल लीव फॉर द ट्यूशन। हेलो जी, अच्छा जी सॉरी, कल अरे क्या मिलना है तो मिलना, क्या घूमे जा रहा अपने में, पगलू आजा 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 आजा। ए अरे तू कहाँ से, हेलो हाउ वाज योर डे, मैंने आपको भी दिखा लिया। अच्छा खा लिया, कोई नहीं, डिड यू मिस मी टुडे, नो ट्यूशन में क्या पढ़ा मैंने, हाँ अपने किसी का बर्थडे था, चॉकलेट मिली। बोलो भाई साहब, आप बोलो पहले, आप बोलो। हाँ आमी अब मेरी बारी है, हट जा, अब मैं प्यार कर रहा हूँ ना। हाँ मेरा आलू, देखना देखना पगले को, हाँ मेरा आलू, मेरा भाई, हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, 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 हाँ। आ जा चल, आ जा क्या ये, ए ठीक है आमी ठीक है, वैसे मैं मेल्ट थी। हाँ मेल्ट है, अब मैं लाऊंगा ना चॉकलेट तो आपको दूंगा भी नहीं। दीदी खाने में की थी सेवैया साहब, दाल रोटी नहीं है, रोटी बनाई दीदी। दीदी मेरे को एक काम करो, सेवैया थोड़ी सी दे दो, लाइट फूड ओनली है ना। हाँ तो ये देख लो बदतमी, जब भी खाई जा रही, भाई को पूछ तक नहीं रही कि हाँ वंश भैया आप खा लो। दीदी एक सीन हो गया, वो जूस वाली बोतल स्कूल में रह गई, डस्टबिन में फेंक दिया, एक्चुअली रही भी नहीं गई, डस्टबिन में फेंक दी। अरे ध्यान नहीं रहा ना वो फ्लो, कल ले आऊंगा पक्का पक्का, नहीं 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 जो कल आएगी सुबह वो कल स्कूल से वापस ले आऊंगा पक्का। अरे आज हमने पहली बार फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, क्या मजा आया भाई, एक पीरियड पढ़ने का और एक पीरियड खेलने का, फिर एक हुआ हमारा साइकोलॉजी का पीरियड, मजा आ गया। साइकोलॉजी और इंग्लिश में तो और भी मजा आ गया, इंग्लिश में तो वो चैप्टर पढ़ा है जो मैं कर भी चुका, ये फायदा रहता है ट्यूशन में, पहली कर लेना चैप्टर तो इसलिए मैं फटाफट आंसर भी दे जा रहा हूँ, लिखे भी जा रहा हूँ। टीचर नई टीचर थी इंग्लिश की, इंप्रेशन एकदम बढ़िया वाला जम गया मैडम पे, मैडम भी खुश मैं भी खुश, अब हम नारियल फोड़ेंगे। खिड़की खिड़की में क्या हुआ, क्या हुआ खिड़की में, दिखाओ वो यार सूज गया पूरा हाथ, इनके पैर में भी काटा है, ये देखो ये देखो, ये हाथ दिखाओ, दोनों दिखाओ, ये देखो और ये देखो। एक काम करो इसके ऊपर ना अचार रगड़ दो और चाबी रगड़ दो, दादी माँ यही करती थी छोटे होते, अचार रगड़ देती थी मेरे ऊपर पूरा, और जलन मछली उसके ऊपर चाबी पूरी रगड़ देती थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से मेरे को भी जाना है, मेरे को अपनी बुक्स लेने जाना है 11th की। यार लेग्स मारना भी इफेक्ट आ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो भी मतलब खाना खूना खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया 10-15 मिनट, तो हम निकलते हैं किताबें कितुबें लेने, जल्दी से काम निपटा लेते तो अपने लिए भी इजी हो जाएगा। ये बनानी भी है कॉपीज इस साल, टारगेट तो हर साल का ये रहता है, इस साल मैं कॉपी बनाऊंगा, इस साल मैं अच्छे से पढ़ूंगा, सब करूंगा। ये देखो इनका भूया चालू हो गया बस, बट एट द एंड ऑफ द डे वो टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाता। मैं भैया 11th की बुक्स मिल जाएंगी, इतनी सारी किताबें लेनी पड़ गई, कोई नहीं इनको तो यूज करेंगे। अभी एक काम करेंगे, इनसे बात हो गई है तो जो पुरानी किताब एकदम नई नई वाली पड़ी थी इनको लाकर मैं अभी दे दूंगा, ये उसको रिफंड विफंड करके ऊपर नीचे थोड़ा प्राइस करके दे देंगे मेरे को पैसे। चलो जी ले ली बुक्स, हो गया काम अपना। इसमें डब्बा खुल रहा है वंश भैया, एक तो नाखून भी छोटे ना और नाखून फंसाने में बड़ा डर सा लगता है, अगर नाखून फंसा तो खतरनाक हो गया, अगर इसमें कुछ ऐसा होगा ना वो गिरेगा। अरे गिरने दे यार, हमें दीदी साफ करेगी। दीदी ऐसे घूर रही जैसे, हाँ आता है कड़क है, आता है देख लेना। कैसे खुलता है, खोल लो फिर, देखो मैं मेरे हाथ में दर्द, खोल 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 खोल, हो गया जी, बेलन मारो खींच के, एक बार में टूट जाएगा। 5:20 हो रहे, एक वीडियो देखने में लग गए थे तो उस चक्कर में लेट हो गए हैं, कोई ना अब निकलते हैं जिम, एक दिन पानी की बोतल और ले लूं मैं। हाँ नाउ वी आर रेडी फॉर द जिम, जिम से डायरेक्टली निकलेंगे ट्यूशन, एकदम लिफ्ट का जहाँ पे वो नहीं होता लिफ्ट के बटन वाला एरिया, वहाँ मैंने अपना फोन लटका रखा है, अभी गिर गया था। अच्छा फ्रेम यार वैसे ये भी, मतलब शॉट लेने के लिए तो एक्सपेरिमेंट बढ़िया था। चलो लिफ्ट आ गया, अच्छे से हो गया ये, बस ये दुख है, ये बोतल खराब हो गई मेरी, इस पे क्रैक आ गया, कोई नहीं क्या कर सकते, इतनी भी चलने वाली चीज थोड़ी ना, हाथों पे वापस छाले आने लग गए मस्त वाले जो एक्चुअली चाहिए थे मेरे को, और मतलब बहुत एस्थेटिक लगता है हाथ। स्कूटर में नया नया ताजा ताजा बगाए, देखो पूरी रेस दे रहा हूँ ना, स्पीड देखो वाह क्या स्पीड है, मजा आ जाए ये तो स्पीड देख के, मतलब क्या ही बग है भैया, देखो देखो पूरी रेस दे रखी और चल रही है स्कूटी, स्पीड देखो स्पीड,
शून्य मात्रा शून्य शून्य। आह क्या सीन है। और ब्लूटूथ भी सुना सुना, इधर ब्लूटूथ कनेक्टेड है जबकि फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑफ है। वाह क्या सीन है। तेरे को बुलाया ये क्यों आ रहे हैं बाला हटो इधर देखो इसको डांट लगाने दो। जब बाला को वेव करती, जब बाला को बुलाया जाए तुम मत आया करो। पेट पहले आता है बाला बाद में आता है। वही तो बाला को पहले आना चाहिए पेट बाद में आना चाहिए। मैं क्या करूं एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता। एक काम करो ना वो सुई घुसा दो एक बार में पंचर हो जाएगा। चलो भाई जी डन विद ट्यूशन, अच्छे से हो गई मस्त पढ़ाई करी मजे मारे यही चल रहा है आजकल तो एकदम फुल मौज में पढ़ाई भी हो रही है और अच्छे से मजे भी हो रहे हैं। वापसी कौन आया आज? टीपू चाचा इज बैक इन द टाउन। प्रमोद चाची साथ तो नानी है बट हाँ प्रमोद नानी के साथ, प्रमोद नानी के साथ, सॉरी प्रमोद नानी के साथ। टीपू चाचा इज बैक। मम्मा चाचा बुलाती इसलिए वो आता। हाउ आर यू हाउ डू यू डू फाइन। अभी बहुत देर के आए हुए अभी व्लॉग मैंने बस चालू किया थोड़ी देर ऐसी। रात वाली रात वाली मैंने अपना सीन याद किया गिरने वाला वो पैर से वो आपके पैर से गिरने वाला। कौन से पैर से क्या गिरने वाला? वो जो पैर से गिरता है ये भी क्या क्या पीछे पापा हम स्कूटी पे चार्जर लगाने गए थे हमारे। आप क्यों गए थे? मैं भी गया था। देखो राइट नहीं राइट नहीं मेरा पैर ऐसे लटका। क्या कर रही है मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या बोलना चाह रही है? तेरी बात का ना कोई कॉन्टेक्स्ट है ना कुछ है। मैंने जो तोड़ा था जितनी बार भी तोड़ा मैंने वाइपर उठा के उल्टा करके उस सकता कि लंबा डंडा हो और उससे ऊपर ऊपर कर दो बस उतना हाथ निकालो बहुत नहीं जगह और क्रच करके हाथ मेरा अंदर ही था पूरा भैया। ये डंडी भी लगा डंडी से नहीं टूटता ना। आप डंडी में ज्यादा टाइम लगाओगे वाइपर यूं फंसाया क्रच मारते टूट गया ना। क्रच मारना अगली बार क्रच। चलो यार हम आजकल लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे। इस व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। अगर मन करे तो दिस बी बॉय के वंस साइनिंग ऑफ एंड कल का याद से देख लेना। बाय कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। बाय कौन बोलेगा पापा? बाय कौन बोलेगा? बाय बोलो बहुत टाइम हो गया। बाय बोलो टाइम हो गया बहुत टाइम तो नहीं बोला। चलो बाय। क्यों कर रहा है ऐसे? अच्छा बच्चा है ना। हाँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।